हेलो फ्रेंड्स, सामने आप देख सकते हैं इनोवा क्रिस्टा, ये आपका टॉप वेरिएंट आ जाएगा, जेड एक्स वेरियंट होगा और गाड़ी का एक्स शोरूम आपका 24 लाख आपको देखने को मिल जाएगा। और गाड़ी आपका डीजल वेरिएंट में आती है, इसमें 2400 सीसी का आपको इंजन देखने को मिलता है। तो गाड़ी का आप लोग फ्रंट लुक आप लोग देख सकते हैं, ऑन रोड आपको गाड़ी कानपुर में 28 लाख के अराउंड आपको पड़ जाएगी। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये आपकी VIP गाड़ी है और ऑफिसर्स ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आ जाती है VVIP गाड़ी, उसमें आती है आपकी फॉर्चुनर। तो आज हम लोग देखेंगे इनोवा के बारे में, इसमें एक्सटीरियर में और इंटीरियर में क्या क्या देखने को मिल जाता है वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं गाड़ी का फ्रंट लुक, तो बहुत ही कूल लुक आ जाता है इसका। और टोयोटा का आप लोग जानते हैं कि इसमें लोगों का बिलीव है बहुत ज़्यादा, इसको गाड़ी को लेने के लिए बस लोग आ जाते हैं, इंक्वायरी ज़्यादा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो फ्रंट लुक आपको देखने को मिल जाता है, व्हाइट कलर की गाड़ी आएगी। और यहाँ पर गाड़ी में देख सकते हैं सबसे पहले इसका जो हेडलैम्प्स हैं उसका लुक आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर प्रोजेक्टर में हेडलैम्प्स मिलेगी, एक लो बीम के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं तो आपको DRLs यहाँ पर मिल जाएंगे, 4 LEDs में मिलेंगे। और ये आप देख सकते हैं अंदर से ही आपको क्रोम कवर गाड़ी में देखने को मिल जाता है। तो ये लुक आता है हेडलैम्प का, और यहाँ पे भी आपको क्रोम कवर मिलेगा इस जगह। तो यहाँ पे फ्रंट में देख सकते हैं क्रोम कवर, तो ये आपको क्रोम कवर के यहाँ पे देखने को मिल जाता है गाड़ी में। और यहाँ पे फ्रंट में आपको ये टोयोटा की आपको देख सकते हैं यहाँ पे लोगो देखने को मिल जाता है बड़ा सा क्रोम फिनिश में। और ये आप लोग देख सकते हैं तो ये जो ये लुक आता है ग्रिल का, ये आपको ग्रे फिनिश में देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे पूरा शाइनिंग में आपको देखने को ये चीज़ मिलती है यहाँ पे, ये आता है। और यहाँ पे देख सकते हैं बम्पर का लुक, तो बम्पर में आपको कुछ ज़्यादा चेंजमेंट देखने को नहीं मिलता है, ये आपको ब्लैक कलर मिलेगा। यहाँ पे बॉडी कलर मिलता है पूरा व्हाइट कलर का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो इस जगह आपको फॉग लैम्प गाड़ी में इस जगह पे छोटे सा देखने को मिलता है, और फ्रंट में भी आपको इसमें सेंसर मिलते हैं गाड़ी में। तो ये आप लोग लुक देख सकते हैं, इस तरीके का आ जाता है। और अब देखते हैं हम लोग साइड प्रोफाइल गाड़ी का, तो साइड प्रोफाइल क्या देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से देख सकते हैं साइड लुक। तो ये गाड़ी देख सकते हैं, ये आपको देखने को मिल जाती है, इनोवा का लुक आता है पूरा, साइड प्रोफाइल इस तरीके का आता है। तो अब देखते हैं अलॉय व्हील, तो अलॉय व्हील आपको डुअल टोन में देखने को मिल जाएंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं आपको सिल्वर और ब्लैक में डुअल टोन में देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको टोयोटा का लोगो देखने को मिल जाता है गाड़ी में। तो व्हील का लुक आप लोग देख पा रहे होंगे, इस तरीके में मिल जाता है। और व्हील साइज आप लोग देख सकते हैं, तो 17 इंचेस का आपको व्हील इसमें देखने को मिल जाता है। तो ये आता है इसका व्हील का लुक। और यहाँ पे साइड में देख सकते हैं, तो इस जगह जैसे बैक में आपको सी पिलर मिलता है, यहाँ पे भी आपको छोटा सा देखने को मिल जाता है, ये लुक आता है स्पोर्टी डिज़ाइन। और ORVM आप लोग देख सकते हैं, तो इसमें आपको क्रोम फिनिश देखने को मिलेगा, और टर्न इंडिकेटर इसमें गाड़ी में देखने को मिलता है, ये आपको ब्लैक कलर भी यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये लुक आता है। और गाड़ी में यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये आपको मिलता है फुट रेस्ट, ये बोथ साइड में आपको देखने को मिलता है फुट रेस्ट, ये ब्लैक कलर का होगा। और यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश का वर्क इसमें देखने को मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो डोर हैंडल आपको क्रोम फिनिश में मिलेंगे विथ रिक्वेस्ट सेंसर के साथ में, ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। और बैक में देखते हैं अभी हम लोग, तो यहाँ पे साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश में आपको डोर हैंडल मिलता है, ये बोथ साइड में आपको देखने को मिलता है। और बैक वाली जो सीट का है उसका ग्लास आप लोग देख सकते हैं, तो ये उस ट्राइंगल शेप में आपको देखने को मिलता है। तो ये लुक इसका आता है। और यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं रियर प्रोफाइल गाड़ी का, तो यहाँ से रियर प्रोफाइल आप लोग देख सकते हैं, तो गाड़ी का रियर प्रोफाइल का लुक कुछ इस तरीके का आ जाता है, बहुत ही प्यारा सा लुक आता है। और यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये आता है यहाँ पे टेल लैम्प का लुक, तो ये आपका टेल लैम्प का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का आता है। इस जगह आपको टर्न इंडिकेटर देखने को मिलता है गाड़ी में। और यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर 2.4 ZX की आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है, ये आपका वेरिएंट आता है, टॉप वेरिएंट आएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी में, तो बैक में टोयोटा का लोगो मिल जाएगा, यहाँ पे छोटा सा मिलेगा फ्रंट वाले के मुकाबले। और यहाँ पे देख सकते हैं बैक में वाइपर्स मिलेगा, और यहाँ पे इस जगह आपको डिफॉगर्स मिल जाते हैं, इस जगह आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प देखने को मिलती है गाड़ी में। और अपर व्यू आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको शार्कफिन एंटीना मिलेगा, और स्पोर्टी एजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये लुक हमारा आता है गाड़ी का। और यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह, तो आपको मिलेगा इनोवा क्रिस्टा की ये आपको बैजिंग देखने को मिल जाएगी क्रोम फिनिश में। इस जगह आप लोग देख सकते हैं गाड़ी में, तो ये आपको यहाँ पे एक ये बैजिंग देखने को मिलती है ब्लैक और क्रोम में, इस जगह भी आपको देखने को मिलती है, ये तो बाहर से अलग से लगवाया जाता है गाड़ी में, तो ये आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ से एक बार इस तरह का साइड प्रोफाइल देख लीजिए, टेल लैम्प में आप लोग देख सकते हैं, तो इस जगह आपको ये एजेस देखने को मिल जाते हैं गाड़ी में, ये चीज़ दो यहाँ पे मिलेंगे बोथ साइड में। और यहाँ पे फ्यूल टैंक का लुक तो उस तरीके का आ जाता है, ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और ये सारा व्यू आता है गाड़ी का। तो अभी हम लोग चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं इंटीरियर का लुक, तो इंटीरियर में क्या देखने को मिलता है गाड़ी में वो हम लोग चेक करेंगे। तो चलते हैं ड्राइवर साइड वाले डोर में और वहाँ पर देखेंगे तो हमें क्या लुक देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले डोर को ओपन करते हैं और देखते हैं डोर का लुक क्या मिलेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं,
तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे तो डोर का लुक आ जाएगा प्योर आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलता है, जो कि स्पोर्टी लुक देता है गाड़ी को। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको यहाँ पे टेक्चर्ड में डिज़ाइन मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा क्लोथ कवर का आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये आपको ब्लैक कलर का मिल जाता है। इस जगह आपको देख पा रहे होंगे तो पियानो ब्लैक कलर का ये आपको लुक देखने को मिलता है यहाँ पे। और ये आपको क्रोम फिनिश में आपको अनलॉक का बटन मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग लॉक कर सकते हैं गाड़ी को। और यहाँ पे देख सकते हैं तो ये आपको मिरर के कंट्रोल मिल जाएंगे, चारों आपको पावर विंडोज़ मिल जाती हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। और ये आपको डोर लॉक अनलॉक का बटन मिल जाएगा, यहाँ से ORVM का आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है, और ये आपको सिल्वर वर्क यहाँ पे देखने को मिल जाता है, सिल्वर फिनिश में ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। और यहाँ पे गाड़ी में देख सकते हैं तो यहाँ पे बॉटल स्टोरेज मिलेगा, इस जगह भी आप लोग स्टोरेज कर सकते हैं। यहाँ पे स्पीकर देख सकते हैं गाड़ी में, तो यहाँ पे स्पीकर का लुक कुछ इस तरीके का आ जाएगा, डिज़ाइन में आपको देखने को मिलता है। और यहाँ से देख सकते हैं गाड़ी में तो इस जगह आपको ब्लैक कलर में ये टोयोटा की बैजिंग देखने को मिलती है। और यहाँ पे इंटीरियर का लुक आप लोग देख सकते हैं गाड़ी का, तो इंटीरियर का लुक कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। और सीट्स हम लोग देखते हैं तो सीट्स आपको देख सकते हैं स्वेट प्रूफ आपको देखने को मिल जाए, तो ये आ जाएंगी। और इसमें कवर में देख सकते हैं तो क्रिस्टा का आपको यहाँ पे ये लोगो देखने को मिलता है। और यहाँ पे हेडरेस्ट आप लोग देख सकते हैं गाड़ी में, तो बोथ आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे सीट्स में देख सकते हैं तो बोथ आपको एडजस्टमेंट मिल जाएंगे, हाइट एडजस्टमेंट भी मिलता है और सीट एडजस्टमेंट, बोथ चीज आपको देखने को मिल जाती हैं। और गाड़ी में आप लोग बैठ के देखते हैं तो क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे वो हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ से देखते हैं अभी, तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्टेयरिंग का लुक, तो ये आपको प्योर ब्लैक कलर में मिलेगा, यहाँ पे लेदर का वर्क आपको देखने को मिलता है गाड़ी में। और यहाँ पे देख सकते हैं तो आपको ये मोड्स मिल जाएंगे, इस जगह आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपको स्पीकर के मोड मिल जाएंगे, यहाँ से वॉल्यूम अप डाउन कर पाएंगे। और यहाँ से कॉल कनेक्ट डिस्कनेक्ट ऑप्शन मिलता है, यहाँ से भी आपको ये मोड्स मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप लोग कंट्रोल कर पाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोयोटा का लोगो आपको देखने को मिलता है, इस जगह गाड़ी में आपको ये सिल्वर वर्क आपको देखने को मिल जाएगा, ये मिलता है यहाँ पे भी आपको मिलेगा और इस जगह भी मिलता है। और यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी में तो इस जगह आपको मिल जाएगी 8 इंच की स्क्रीन, तो ये आप लोग देख सकते हैं 8 इंच की स्क्रीन मिलती है, इस जगह आपको पार्किंग लाइट मिल जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हैं तो एसी के वेंट्स मिल जाते हैं बोथ साइड में, यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाता है गाड़ी में, इस जगह ये आपको लाइन यहाँ से यहाँ तक इस तरीके का वर्क होता है पूरी गाड़ी में। और ये जगह ये आपको ये वुडन टेक्चर डिज़ाइन में ये आपको लुक देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे ये आता है। और ये आप देख सकते हैं तो ये आपको एयर बैग्स ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, इको मोड एसी का ऑप्शन मिलते हैं। और यहाँ पे स्क्रीन जो आपको दी गई है उसके सारे ये मोड्स मिल जाते हैं, कंट्रोल मिल जाएंगे, होम मेन्यू का सारे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिलते हैं। और ये एसी के कंट्रोल्स इस जगह आपको देखने को मिल जाते हैं गाड़ी में, तो ये आपको बटन्स मिलती हैं तो यहाँ से आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और गाड़ी में आपको 7 एयरबैग देखने को मिल जाएंगे, तो सेफ्टी का आपको अच्छा खासा ख्याल रखा जाता है गाड़ी में। और यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी में तो इस जगह आपको मिल जाएगा 12 वोल्ट का सॉकेट पॉइंट, चार्जिंग पॉइंट मिलता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक आपको USB पॉइंट देखने को मिल जाता है, इस जगह आपको मोबाइल स्टोरेज मिलता है, यहाँ पे मोबाइल स्टोरेज आप लोग कर सकते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। और गियर बॉक्स का लुक आप लोग देख सकते हैं, तो 5 गियर बॉक्स आपको मैन्युअली देखने को मिल जाता है, इसमें आपको क्रोम वर्क यहाँ पे मिलता है, ये लेदर का आपको कवर इसमें देखने को मिल जाता है गाड़ी में। और इस जगह आपको मिल जाता है एक कप होल्डर देखने को, और ये मिलता है यहाँ पे हैंड ब्रेक ब्लैक कलर का मिलेगा विद क्रोम फिनिश बटन के साथ में, तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। आर्मरेस्ट आप लोग देख सकते हैं गाड़ी में, तो ये आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा विद स्टोरेज, तो ये बड़ा सा स्टोरेज इसमें आपको देखने को मिलता है गाड़ी में, ये चीज़ मिलेगी। और यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह, तो इस जगह भी आपको एक USB का पॉइंट मिल जाता है, ये आपको चार्जिंग पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ से लुक आप लोग देख पा रहे होंगे, सीट्स का लुक आता है। और यहाँ पे जो डोर का साइड वाले डोर का लुक है तो वो भी आप लोग देख लीजिए, ये आपको सिल्वर फिनिश में देखने को मिलेगा, और इसमें एक आपको बटन मिल जाएगी मिरर के कंट्रोल की। ग्लव बॉक्स हम लोग देखते हैं तो ग्लव बॉक्स का लुक देख सकते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं तो ये आपको यहाँ पे एक मिल जाएगा चिल्ड बॉक्स, तो यहाँ पे आपको बॉटल वगैरह रख सकते हैं, और इसमें एसी की कूलिंग आपको मिल जाएगी, तो यहाँ पे बॉटल वगैरह आप स्टोरेज कर सकते हैं अच्छे से, आपकी बॉटल्स कूल रहेंगी, तो ये आपको यहाँ पे लुक मिलता है उसके आपके बॉटल का। और ग्लव बॉक्स यहाँ पे गाड़ी में इस जगह आपको देखने को मिलता है, ये बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स ये देखने को मिल जाएगा बड़ा सा, तो ये इसमें एक VIP वाली फीलिंग जरूर आती है, क्योंकि इसमें कुछ अलग दिया जाता है गाड़ी में, ये आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे क्रूज कंट्रोल गाड़ी में देख सकते हैं, स्टेयरिंग के पास में आपको देखने को मिलेगा, तो ये आप देख सकते हैं इस जगह स्टेयरिंग के पास में ये आपको क्रूज कंट्रोल की बटन यहाँ पे मिल जाती है। और इस जगह आप देख सकते हैं तो ये आपके लाइट्स के कंट्रोल मिलेंगे, और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं तो ये आपके वाइपर्स के कंट्रोल यहाँ पे मिलेंगे। और राइट साइड में यहाँ पे देख सकते हैं स्टेयरिंग के, तो इंजन स्टार्ट स्टॉप की आपको बटन देखने को मिल जाएगी। इस जगह आपको पार्किंग सेंसर के लिए यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ये यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलता है। और इस जगह भी आप देख सकते हैं तो वुडन का आपको यहाँ पे टेक्सचर डिज़ाइन देखने को मिलता है।
और अपर में देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये आपको मिल जाएगा एक, देखिए सन वाइज़र, ये आपको मिलता है मिरर के साथ में, और यहाँ पे आपको अपर में एक लाइट देखने को मिलती है, तो ये अच्छा लुक आता है गाड़ी में। और यहाँ पे गाड़ी में देख सकते हैं तो एम्बियंट लाइट आप लोग को देखने को मिल जाएगी, आप देख सकते हैं ब्लू कलर में आपको देखने को मिलती है, ये गाड़ी को कुछ अलग लुक देती है, देख सकते हैं आप लोग, तो ये लुक आ जाता है। और यहाँ पे लाइट्स आप लोग देख सकते हैं, तो लाइट्स के लिए यहाँ पे लुक आपको देखने को मिलेगा, ये आपको लैंप लाइट मिल जाती है, तो इसमें अच्छी खासी लाइट आपको देखने को मिलती है, ये मिल जाएगा लुक। और साइड में भी देख सकते हैं तो ये आपको मिल जाएगा सन वाइज़र विथ मैंटी मिरर, और लाइट आपको यहाँ पे रूफ में देखने को मिल जाती है, तो ये लुक आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सन ग्लास होल्डर, तो ये मिल जाता है, इसको इस तरीके से हम लोग क्लोज कर देंगे तो यहाँ पे ये लुक आपको देखने को मिलता है। तो अभी हम लोग चलेंगे बैक वाली सीट में, इससे पहले आप लोग देख लीजिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का डिज़ाइन, तो आपको क्या देखने को मिलता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का लुक देखेंगे। गाड़ी के आप लोग कीज़ देख सकते हैं, तो ये आपको मिल जाएगी ब्लैक कलर में आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे इनोवा की आपको बैजिंग मिलेगी, यहाँ पे आपको ब्लू कलर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे गाड़ी में इस जगह आपको दो बटन्स मिल जाती हैं, लॉक और अनलॉक की दो मिलेंगी, और यहाँ पे टोयोटा की आपको ये लोगो देखने को मिल जाता है। तो गाड़ी का लुक प्रीमियम आता है, गाड़ी प्रीमियम गाड़ी भी है, और यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्रोम फिनिश का वर्क इसमें गाड़ी में कीज़ में मिल जाएगा, तो बोथ कीज़ आपको पावर कीज़ मिलेंगी। और तो यहाँ से गाड़ी में देख सकते हैं आप लोग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का डिज़ाइन, तो ये बहुत ही अच्छा सा आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का डिज़ाइन मिल जाएगा, तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लुक आता है, ये आपको यहाँ पे आरपीएम देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगी स्पीड, तो 200 किलोमीटर के आपको मैक्सिमम स्पीड देखने को मिल जाती है, ये आपका लुक आएगा। यहाँ पे MID मिल जाती है, तो इसमें आपको सारी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ये चीज़ मिलेगी यहाँ पे देखने को। और यहाँ पे स्क्रीन का लुक देख सकते हैं, तो टच स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है, यहाँ से मेन्यू का बटन आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मेन्यू मिल जाएगा, सारे आपको ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं गाड़ी में। और यहाँ पे AC का आप लोग लुक देख सकते हैं, तो ये आपका AC का लुक आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं गाड़ी में, यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलता है, AC का फ्लो अच्छा खासा आता है, पैसेंजर एयर बैग ऑन है, तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन ये चीज़ देखने को मिल जाता है, तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टाइमिंग आपको देखने को मिल जाएगी गाड़ी में। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का लुक जो है वो आपको लग्जरी फील इसमें भी आता है, आपको देख सकते हैं। तो अभी हम लोग चलेंगे गाड़ी के बैक वाली सीट में और वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे गाड़ी का लुक क्या देखने को मिलता है वो हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ से अभी हम लोग चलते हैं बैक वाली सीट में और वहाँ पे चेक करते हैं तो वहाँ का लुक क्या देखने को मिल जाता है वो हम लोग चेक करेंगे। और यहाँ से बैक वाले डोर को ओपन करते हैं तो ये आप लोग देख सकते हैं बैक वाले डोर का लुक, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा ब्लैक कलर में, और यहाँ पे आपको वुडन टेक्चर डिज़ाइन देखने को मिलता है, ये आप देख सकते हैं, तो ये आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश ये वर्क आपको देखने को मिलता है, ये प्रीमियम सिल्वर फिनिश आपको यहाँ पे मिलती है, और यहाँ पे अनलॉक की बटन मिल जाती है क्रोम फिनिश में, ये मिलेगा। और यहाँ पे ये आपको ग्रैब हैंडल यहाँ पे इस जगह मिलता है, और इस जगह देख सकते हैं तो यहाँ पे बॉटल का स्टोरेज मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा ये मिलता है। और यहाँ पे स्पीकर देखने को मिल जाता है, स्पीकर का लुक, इंटीरियर का लुक यहाँ से आप लोग देख लीजिए, तो यहाँ से इंटीरियर का लुक कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है, लग्जरी फील आता है। और यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी में, तो ये आपको स्वेट प्रूफ मिल जाएंगी, ये आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं, बोथ एडजस्टेबल मिलेंगे दोनों में, इतनी VIP गाड़ी तो ये सारे फीचर्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो इसमें चलते हैं बैठ के देखते हैं हम लोग, तो स्पेस चेक करेंगे, तो ये आप लोग देख सकते हैं, तो स्पेस इसमें अच्छा खासा मिल जाता है, ये मिलेगा। और यहाँ से इसको अभी हम लोग देखते हैं, तो ये आपको मिल जाती है, ये मैक्सिमम 10 kg का लोड मिलता है, इसको इस तरीके से आप लोग प्रेस कर देंगे, और यहाँ पे ही आपको मिल जाता है कप होल्डर, तो इसमें आप लोग कुछ भी सामान वगैरह इसमें बॉटल अपनी रख सकते हैं, और यहाँ पे खाना वगैरह भी खा सकते हैं इसमें रख के, तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगी, ये बटन प्रेस करेंगे और इस तरीके से इसको कर देंगे फोल्ड, और यहाँ पर वुडन टेक्चर का आपको ये मिलेगा डिज़ाइन इस जगह, और बोथ साइड में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे बोथ साइड में आपको ये चीज़ लुक देखने को मिलता है, यहाँ पे वुडन टेक्चर मिलेगा, और इस जगह आपको ये सीट में फोल्ड करने को मिलता है, तो सीट को आगे फोल्ड कर सकते हैं। एम्बियंट लाइट का लुक आप लोग देख सकते हैं, तो गाड़ी में ये चीज़ यहाँ पे दी गई है, ये डिज़ाइन दिया गया, ब्लू कलर आपको देखने को मिलता है। और यहाँ से देख सकते हैं बैक के लिए, तो यहाँ पे क्या मिल जाता है, ये आपको बटन मिल जाएगा, यहाँ पे AC के वेंट्स मिल जाएंगे, तो ये आपको AC के वेंट्स कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। इस जगह आपको देखने को मिल जाएगी लाइट, तो बोथ साइड में ये आपको लाइट देखने को मिलती है इसमें, तो ये आप लोग देख सकते हैं लैंप लाइट मिलेगी, और ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं बोथ साइड में, यहाँ पे हुक मिल जाता है एक, और इसी मिड वाली सीट्स में, तो ये लुक आप लोग देख लीजिए पहले सीट का, ये मिलता है बीच में, यहाँ पे गाड़ी में इतना गैप मिलता है, तो यहाँ से आप लोग जाके बैक वाली सीट में आराम से बैठ सकते हैं।
और यहाँ पे देखते हैं तो ये क्या चीज़ मिलती है, तो ये देख सकते हैं गाड़ी में साइड में यहाँ पे बॉटल स्टोरेज इस तरीके का लुक दिया जाता है। अगर आप रखना चाहते हैं तो यहाँ पे बॉटल रख सकते हैं और इस तरीके से इसको आप क्या करेंगे फोल्ड कर देंगे तो ये हो जाएगा ब्लॉक, इस तरीके से हो जाता है। और सीट्स को आगे आपको आगे अगर स्लाइड करना चाहते हैं तो ये आपको बोथ साइड सीट में दिया जाता है। बैक में अगर बैठना चाहते हैं गाड़ी में देख सकते हैं तो ये आर्मरेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, मैनुअली मिलते हैं बोथ में, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है मैनुअली, ये आपको मैनुअली लुक आता है। और बैक वाली सीट का लुक आप लोग देख लीजिए तो ये आपको बोथ आपको हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिल जाएंगे देखने को। आप लोग गाड़ी में देख सकते हैं इस तरीके से गाड़ी को कर देंगे फोल्ड और बैक में जाने को यहाँ पे आपको मिल जाता है स्पेस, तो यहाँ से आप लोग इस तरीके से इसमें एंटर कर सकते हैं और गाड़ी में यहाँ पे जाएंगे बैठ, तो यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी में बैठ जाएंगे इस तरीके की आपकी सीट जो है वो आपको फोल्ड रहेंगी। और बैक में देख सकते हैं तो स्पेस कम मिलता है बच्चों के लिए जैसा कि मिलता है देख सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं तो आपको बॉटल स्टोरेज मिल जाएगा, तो इस तरीके का लुक आता है गाड़ी में, ये आपको देखने को मिलेगा। बोथ साइड में आपको ये चीज़ मिल जाती है, यहाँ पे दो कप होल्डर मिलते हैं बैक वाली सीट में, तो ये लुक आपको देखने को मिल जाता है। इस जगह आपको ए सी के वेंट्स मिल जाते हैं बोथ साइड में, और यहाँ पे ऑटो फोल्ड आपको ग्रैब हैंडल मिलेगा गाड़ी में, और यहाँ पे बैक में देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको स्टोरेज मिलेगा, तो स्टोरेज हम लोग चेक करेंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं गाड़ी में बाहर और देखते हैं चल के बैक में, तो बूट चेक करते हैं क्या देखने को मिलता है वो हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं तो इस तरीके से अभी इसको हम लोग कर देते हैं क्लोज, सीट को फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, ओपन कर देते हैं मैनुअली सब करना होगा और यहाँ से सीट आपकी लॉक हो जाएगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं पूरा व्यू गाड़ी का, और अभी हम लोग चलते हैं गाड़ी तो बूट चेक करेंगे, बूट देखते हैं कितना मिल जाता है। तो गाड़ी का अभी हम लोग बूट ओपन करते हैं यहाँ से, और इस तरीके से देखिए बूट ओपन करने के लिए थोड़ा सा आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा तभी गाड़ी आपका टेल गेट जो है वो आपका ओपन होता है। थोड़ा सा बूट जो आपका टेल गेट है वो थोड़ा सा भारी रहेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं बैक में तो इस जगह आपको बैग के स्टोरेज मिल जाते हैं, तो यहाँ पे तीन ट्रॉली बैग आपके आराम से आ सकते हैं, इतना स्पेस आपको मिलता है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से देख लीजिए बैक का तो इंटीरियर का लुक, तो ये आपको इंटीरियर का लुक आ जाता है। अभी इसको यहाँ से हम लोग कर देते हैं क्लोज। इसमें देखिए की से आपको बूट ओपनिंग का की से फीचर्स तो देखने को नहीं मिलता है, मैनुअली आपको सारा कुछ करना पड़ेगा। एक बार यहाँ से एक्सटीरियर प्रोफाइल देख लीजिए गाड़ी का साइड से, तो साइड लुक क्या आ जाता है यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये आपका आ जाता है साइड लुक गाड़ी का, इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको देख पा रहे होंगे ये सारा आपका लुक आ जाता है, ये फुटरेस्ट आप लोग देख सकते हैं, तो बोथ साइड में आपको ये चीज़ देखने को मिल जाती है गाड़ी में, और ये आपका व्यू आता है। एक बार फ्रंट प्रोफाइल देख लीजिए गाड़ी का, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं फ्रंट से तो ये आ जाता है फ्रंट का लुक, तो फ्रंट का लुक कुछ इस तरीके का आता है। तो गाड़ी आपको कैसी लगती है, गाड़ी तो वीआईपी है और आपको कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और गाड़ी देखने के लिए आप लोग विजिट करना चाहते हैं तो सनी टोयोटा रूमा में आकर विजिट कर सकते हैं, और इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो उनसे आप लोग कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।